आखिर अपनों के ही निशाने पर क्यों हैं मंत्री धारीवाल? काम अटके तो हर किसी को सता रही है चुनाव की चिंता। अब खुले तौर पर जता रहे हैं नाराजगी। डोटासरा से लेकर मदेरणा और अब कागजी तक, कईयों की आंखों की किरकिरी बन रहे हैं धारीवाल। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं धारीवाल। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि दिस रिवेंजफुल एटीट्यूड, क्योंकि मैंने आपके आतंकी की उस उपाधि की और नाते की, उस वक्तव्य की निंदा करी, तो वहां पर जेडीसी मेरे ओसिया की 44 सड़कों को रातों रात मना कर देता है। दिस पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड, लेट द राजस्थान सी इट। मंत्री शांति धारीवाल की पहली भिड़ंत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से हुई थी, जब करीब 2 साल पहले एक कैबिनेट मीटिंग के बाद दोनों नेता मुख्यमंत्री निवास पर ही पार्टी के निर्देशों की पालना को लेकर भिड़ गए थे। इसके बाद पिछले साल 25 सितंबर को पार्टी के विधायकों की ओर से विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किए जाने और इस्तीफा दिए जाने के मामले में धारीवाल की भूमिका को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री ने उन्हें निशाना बनाया था। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। मंत्री प्रताप सिंह भी बीच बीच में धारीवाल से नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। चुनाव जिता सकते हैं, जिता के भेजा, हमने लड़ाया सब पार्षदों को, जीत कर आए, और अभी जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता वो पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, क्या करे, उसकी जिम्मेदारी है अपने अधिकार के लिए सचेत रहे, अपने वार्ड में काम करे, घूमे, मॉनिटरिंग करे, सफाई कराए, चाहे बीजेपी का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का, सफाई करना उनकी जिम्मेदारी। और कहीं पर भी कोई भी एक्शन लेना हो जनता के हित में एक्शन ले। नगर निगम का मूल काम सफाई है, सफाई के लिए ही नगर निगम को जाना जाता है, बाकी काम तो सरकार कर ही रही है। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, डेवलपमेंट, जन कल्याण और विकास को समर्पित है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, ऐसे में कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस सोच के साथ हमने दो टुकड़े किए नगर निगम के, वैसा काम भी नजर आना चाहिए। वो काम तो अच्छा इसलिए हो रहा है राजस्थान में क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री बहुत सजग है। वो अच्छा काम ऊपर से जब डायरेक्शन हो रहे हैं, धारीवाल जी भी तो उसमें तो काम नजर आ रहा है, जो मूल काम है नगर निगम का वो नजर आना चाहिए। इसके बाद हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान विधायक दिव्या मदेरणा ने धारीवाल पर उनसे राजनीतिक बदला लेने और उनकी क्षेत्र की 44 सड़कें निरस्त करने का आरोप लगा दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि दिस रिवेंजफुल एटीट्यूड, क्योंकि मैंने आपके आतंकी की उस उपाधि की और नाते की, उस वक्तव्य की निंदा करी, तो वहां पर जेडीसी मेरे ओसिया की 44 सड़कों को रातों रात मना कर देता है। This political revengeful attitude, let the Rajasthan see it. वहीं धारीवाल के खिलाफ सबसे ताजा बयान जयपुर के किशनपुर से विधायक अमीन कागजी का आया, जिन्होंने धारीवाल पर जयपुर में विकास के काम अटकाने और सिर्फ कोटा पर ध्यान देने का आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री बनते हैं मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल, ये लॉ ऑफ रूल है। और हमारे अंदर आपस में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मोरल एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपने किसी आदमी से पॉलिटिकल कमिटमेंट किया कि भाई हमारा, हमारे पास अपर्याप्त बहुमत था, पर्याप्त बहुमत नहीं था, मैंने इनिशिएट किया, जितने भी पार्षद आए वो उसको छोड़ के बाकी सभी को लेके आए, वो को छोड़ के लेके आए, और हमारा कोई ऐसा बहुत ज्यादा कमिटमेंट नहीं था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उनकी जो पहली वरीयता है। सीएम गहलोत के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से गिने जाने वाले धारीवाल के खिलाफ अपने ही लोगों की इस तरह की बयानबाजी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ऊपर से देखने पर तो धारीवाल के प्रति नेताओं की नाराजगी के अलग अलग कारण नजर आते हैं, लेकिन अंदर खाने की बात यही है कि शहरी विकास के रूप में धारीवाल एक ऐसा विभाग लेकर बैठे हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है। यही कारण है कि जब विधायकों के क्षेत्र में
सड़कों और नालियों तक के काम अटक जाते हैं तो उनकी नाराजगी अलग अलग तरीके से सामने आ जाती है। चुनाव नजदीक हैं और इसी के साथ अब पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास के कामों की चिंता सताने लगी है। विपक्ष के विधायक तो जहां खुलकर सरकार की आलोचना करते ही हैं, वहीं पक्ष के विधायकों को भी अपने क्षेत्र में विकास कामों की चिंता सताना लाजमी है। यही कारण है कि अब ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के विधायक सारे लिहाज छोड़कर अपनी सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ भी खुलकर बोलने से नहीं हिचक रहे हैं। अब देखना यही है कि शांति धारीवाल, जिनके पास पूरे प्रदेश में शहरों के विकास की जिम्मेदारी है, वो चुनाव से पहले कैसे अपने विधायकों और नेताओं की नाराज़गी को दूर कर पाते हैं। कैमरामैन विजय जायसवाल के साथ मैं मनीष गोधा, सच बेधड़क, जयपुर।